नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। इसराइल में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी तस्वीरें लगातार हम आप देख रहे हैं। भारी विरोध हुआ है और ये विरोध जो है वहां के जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर हुआ है। इसे देखते हुए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने विवादित न्यायिक सुधार कानून को फिलहाल निलंबित कर दिया है, पोस्टपोन किया है। खबर के मुताबिक इसको लेकर नेतन्याहू ने सहमति अब दे दी है और रिपोर्ट जो आ रही है वहां से उसके मुताबिक कानून पर फैसला संसद की अगली बैठक में यानी अगले सत्र में लिया जाएगा। इस कानून के खिलाफ पिछले कई हफ्तों से, दो महीने से ज्यादा से हर हफ्ते प्रदर्शन होते थे और बवाल जारी था, लेकिन जब वहां पर रक्षा मंत्री को अपदस्थ किया गया, जब उन्होंने इसके विरोध में बोला, तो उसके बाद समर्थन वहां पर जो श्रम संगठन है वो भी इसके खिलाफ शामिल हो गए और लोग सड़कों पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में उतर आए। तो ये जो तस्वीरें हैं ये उस विरोध की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर हर शख्स जो है वो विरोध में नजर आ रहा था, चाहे वो रिजर्व फोर्सेज की बात हो या फिर वो टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, सब इस विरोध में उतर आए थे। यहाँ तक कि जो मिशन्स थे, जो दूतावास जो इसराइल के हैं अलग अलग देशों में, वहां पर भी, यहाँ तक कि दिल्ली में भी वहां पर कामकाज रुक गया जब वहां पर लेबर यूनियन ने ये कॉल दिया। तो आखिर ये बदलाव है क्या जिसको लेकर लोग इतना दुखी हैं, इतना परेशान हैं और लाखों की संख्या में इस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं, जो कि इसराइल में वर्षों से नहीं हुआ है। ये तस्वीर आमतौर पर इसराइल की नहीं होती है। क्या है कानून, हम आपको बताते हैं। ये प्रस्तावित बदलाव है जो कि बिल पास होंगे संसद में। तो नए कानून से कमजोर हो जाएगी जो वहां की सुप्रीम कोर्ट है, जो अदालत है। संसद में जो कानून बनेगा वो उसकी समीक्षा कोर्ट जो है वो नहीं कर पाएगा। संसद में बने कानून रद्द करने का अधिकार भी कोर्ट के पास नहीं होगा। अदालत के फैसले, जो भी वो फैसले करता है, उसे संसद में बदला जा सकेगा, यानी कि संसद जो है वो सुप्रीम हो गई। वहां पर जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की मंजूरी जो है वो अनिवार्य कर दी जाएगी। मंत्रियों के लिए अटॉर्नी जनरल जो सलाह देते हैं वो बाध्यकारी नहीं होगा, यानी कि एक तरह से ये पूरी तरह से ऊपर से नीचे लेकर ये बदल दिया जाएगा और उसमें इसी का विरोध हो रहा है। गुस्सा क्यों है इस फैसले से? कानून में बदलाव से लोगों का मानना है कि लोकतंत्र कमजोर होगा और लोकतंत्र का जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला यहां पर लोगों के लिए है। न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश है और ये मानते हैं यहां पर लोग कि ये कमजोर करने की कोशिश है। नया कानून नेतन्याहू के लिए सुरक्षा कवच होगा क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं और घूसखोरी के मामले चल रहे हैं। विरोध करने वालों में नेतन्याहू के समर्थक भी शामिल हैं, उनके साथ जो लोग खड़े थे वो भी शामिल हैं। अब इसके बाद क्या, क्या इससे इसराइल, जो कि सिक्योरिटी को इतना महत्व देता है, उसको खतरा होगा, सुरक्षा को खतरा होगा? तो ये माना जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन के चलते सुरक्षा को खतरा है और विरोध में जो उतरे हैं वो रिजर्व सेना के लोग भी हैं, यानी कि जो रिजर्व में रहती है सेना और एक्टिव ड्यूटी पर नहीं है वो भी इसमें विरोध में उतर आए हैं। ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं लोग। कई इजरायली दूतावासों ने विरोध जताया, कई दूतावासों में सिर्फ आपातकालीन काम हुआ, इजरायली यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई स्थगित हो गई, कई अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। विरोध में श्रम संगठन जो उतरे उसके कारण बहुत सारी इस तरह की चीजें हुई और ये विरोध प्रदर्शन और ये हड़ताल जो है बहुत बड़े स्तर पर हो गया, जैसा कि पहले दिखा नहीं था। इसराइल के हाइफा से हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस पर और जानकारी दे रहे हैं। इसराइल के हाइफा शहर में खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हजारों लोग जो है इसराइल का झंडा लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब मैं संक्षेप में ये बता दूँ कि ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। इसराइल कहते हैं उसमें एक कानून पास करने की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश या सुप्रीम कोर्ट पर भी उसको रेफरेंस मिलेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने पास किया कानून को इसराइल का जो संसद है वो खारिज कर सकता है या इसराइल के संसद में जो कानून पास होंगे उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकता है। इस कानून में और भी प्रावधान है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की बात होती है तो इस कानून के तहत जजों की नियुक्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ की जनता, यहाँ का विपक्ष इस बात के खिलाफ है और इसी वजह से
इसराइल में गठबंधन की सरकार है और उनके जो गठबंधन के साथी हैं वो इस कानून को पास करने के फेवर में हैं, जिसके वजह से बेंजामिन नेतन्याहू पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो इस मामले में क्या करें। और इस पूरे प्रकरण, इस पूरे विरोध प्रदर्शन का भी कल चरम सीमा थी जब इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री खारिज कर दिया कैबिनेट से, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि इस कानून को फिलहाल रोक लिया जाए या इसको दोबारा से इस पर एक रिव्यू की जाए। इसके बाद जो है डिफेंस मिनिस्टर को खारिज किया गया और इसराइल के अलग अलग शहरों में, तेल अवीव में, जेरूसलम में, इलात में, बेर्शेबा में ऐसे ही कई विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू विदेशों की यात्रा पर भी रहे, वो यूके गए, वो इटली गए, वो जर्मनी गए और हर जगह उन्हें कहीं ना कहीं उन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिनसे उनकी मुलाकात हुई उनको कहीं ना कहीं ये एक तरह से हिदायत दी कि आप अपने कंट्री में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको जाकर संभालें या उस कानून के बारे में सोचें जिसको कहा जा रहा है कि इससे संविधान खतरे में आ गया है या डेमोक्रेसी जो यहाँ की है वो खतरे में आ गई है। अब इन सब के बीच सबकी निगाहें बेंजामिन नेतन्याहू पर टिकी है कि क्या वो अपने कोलिशन गठबंधन के जो जो पार्टियाँ हैं, गठबंधन के जो नेता हैं उनके साथ उनका साथ देते हैं और कानून को पास कर देते हैं या इन लोगों की आवाज़ सुनते हैं और कानून को फिलहाल रोक देते हैं। सबका ये भी मिल रही है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। फिलहाल इसराइल में माहौल ये है कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई बंद कर दी गई है इसी के विरोध प्रदर्शन में और कई जगह फौजियों और फौज में या डिफेंस सर्विसेज के जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी नाराज़गी इस कानून के खिलाफ दिखाई है। तो अब देखना ये होगा कि इसराइल के प्रधानमंत्री या इसराइल की सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है और कितने और दिनों तक इसराइल में इस तरह का विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। इसराइल के हाइफा शहर से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।